हिमाचल प्रदेश जहां पर मोहब्बत की दुकान वालों की सरकार है, यहां पर लगातार अब मुसलमानों के खिलाफ खुलेआम क्राइम सामने आ रहा है। जिस तरह से उत्तराखंड में दरगाहों पर निशाना बनाया जा रहा है, इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में भी जहां पर राहुल गांधी की दुकान है, उस दुकान के होने के बावजूद मुसलमान जबरदस्त प्रताड़ना झेल रहे हैं। एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक दरगाह को न सिर्फ तोड़ा गया है बल्कि उसको रातों रात मंदिर में तब्दील कर दिया गया और लगातार आरती की जा रही है। देखिए इस वीडियो में किस तरह से तोड़ा गया और फिर वहां पर अब आरती शुरू कर दी गई है, मस्जिद में भी तोड़फोड़ की गई है। देखिए इस वीडियो में। तो ये मामला है हिमाचल प्रदेश के सोलन जनपद के कुनिहार का। यहां पर हिंदूवादी गुंडों ने मस्जिद में तोड़फोड़ की, मस्जिद की बेहुरमती की गई, मेहराबों और धार्मिक किताबों को भी नुकसान पहुंचाया। वहीं मस्जिद के बिल्कुल सटा हुआ एक मज़ार था, दरगाह थी, उसको पूरी तरह से समतल कर दिया गया, बराबर कर दिया रातों रात तोड़ करके, और फिर वहां पर आरती शुरू कर दी गई। ये सब कहां हो रहा है? हिमाचल प्रदेश में, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, उन लोगों की सरकार है जो ये कहते थे कर्नाटक में कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम बजरंग दल पर पाबंदी लगा देंगे। लेकिन उसके बावजूद 6 महीने से ज्यादा बीतने के बाद आज तक कोई सांस नहीं ले रहा है पाबंदी लगाने की। और उन्हीं की शासित प्रदेशों में लगातार मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीरें की जा रही हैं, स्पीच दी जा रही हैं, मुसलमानों को वार्निंग दी जा रही है कि पूरे हिमाचल प्रदेश को खाली करके चले जाएं, नहीं तो उनको मार दिया जाएगा, उनके खिलाफ तलवार उठाई जाएगी। ऐसे लोग खुलेआम घूम रहे हैं, कोई पाबंदी नहीं, किसी को गिरफ्तार नहीं, गिरफ्तार तो छोड़ दीजिए, किसी के खिलाफ FIR भी नहीं। इस मामले में भी आप देख सकते हैं, आइए मैं आपको दिखाता हूं कि जो दरगाह ये तोड़ी गई है, तोड़ने से पहले इस दरगाह की और मस्जिद की क्या स्थिति थी, देखिए इन वीडियो में। तो सवाल यही खड़ा होता है, वीडियो आपने देखा, दोनों वीडियो देखे, तोड़ने के बाद जो आरती हो रही है, मस्जिद में जो तोड़फोड़ की गई है, और उसके बाद आपने देखा कि पहले किस कंडीशन में ये थे। बाकायदा आपको मज़ार नजर आएगा, उस पर चादर चढ़ी हुई नजर आएगी, मस्जिद सही सलामत नजर आएगी, और दोनों ही जगहों पर मुसलमानों का कब्जा नजर आएगा। लेकिन उसके बावजूद रातों रात ये हुआ, अब पुलिस एक्शन नहीं ले रही है, कोई FIR दर्ज नहीं कर रही है, इन उपद्रव तत्वों को सख्ती से नहीं निपटा और ना ही निपटने को तैयार है।
स्थानीय लोग कहते हैं कि ऐसे हालात तो भाजपा के राज में भी नहीं थे जैसे अब हैं। तो आप अंदाज़ा मत लगा सकते हैं कि भाजपा के राज में भी अगर इस तरह की हालत होती तो यकीन किया जा सकता था कि भाजपा है, जैसा कि उत्तराखंड में हो रहा है। लेकिन कांग्रेस जो अपने आप को मोहब्बत की दुकान कहती है, कोई नहीं बोलेगा कांग्रेस का नेता, सीएम खामोश। इस वीडियो को लगातार ट्विटर पर टैग किया जा रहा है, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, वहां के सीएम को, वहां के पुलिस प्रशासन को, लेकिन उसके बावजूद कोई ना बोलने को तैयार है और ना ही कोई एक्शन लेने को तैयार है। शुक्रिया आपको, हमारी कोशिश कैसे लगी जरूर बताएं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपकी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।